पंजाब के संगरूर से लोकसभा सांसद सिमरजीत सिंह मान ने भगत सिंह के दिए बयान को लेकर अब दिल्ली में उनके खिलाफ पार्लियामेंट थाने में शिकायत दी गई है। अब शिकायत दर्ज होती है या नहीं होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये शिकायत बीजेपी के जो महिला मोर्चा से संबंधित हैं टीना शर्मा, उन्होंने दी है। मैडम, आपने शिकायत दी है, क्या वजह है, क्यों शिकायत दी आपने? देखिए, इस देश में कोई भी उठ के एंटी नेशनल एक्टिविटी करे या फिर उसके बारे में जो है वो एक ऐसा परसेप्शन बन जाए कि वो यू नो कुछ भी बोल सकते हैं, और वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। संवैधानिक पदों पे रहते हुए सिमरजीत सिंह ने क्या नहीं बोला इस देश के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने समय समय पे उनको आग्रह किया कि आप इस तरह की बातें मत कीजिए, आपकी ये बातें टॉलरेट नहीं की जाएंगी, जो पब्लिक स्फीयर में भी आप देख सकते हैं इन सब बातों को। सिमरजीत सिंह मान जो संगरूर से सांसद अभी अभी बने हैं उपचुनाव में, और कोई अच्छे वोटों से वो जीते भी हैं, और जिस सेंटीमेंट पे जीते हैं वो इस सेंटीमेंट पे जीते हैं कि उनको खालिस्तान की मांग करनी है, उनको भिंडरे वाला को अपनी जीत का श्रेय देना है। 1984 से सिखों में जो अनरेस्ट इस देश के नेताओं ने फैलाया है, मुझे लगता है कि उसका अब हिसाब होना चाहिए। पंजाबियों को जिहाद की तरफ ले जाना या सिखों को जिहाद की तरफ ले जाना कोई नहीं होने देगा, और हम जैसा यूथ तो बिल्कुल नहीं होने देगा। शहीद आजम के बारे में मीडिया से ये पूछना अपनी वार्तालाप में कि क्या आप नहीं मानते वो आतंकवादी थे, हम बचपन से शहीद आजम को पूछते जा रहे हैं। यंगेस्ट मार्टियर हैं, मैं एक फौजी परिवार से आती हूँ, पति मेरे सर्विंग ऑफिसर हैं, ससुर मेरे रॉ से रिटायर्ड हैं, मेरे परिवार में हजारों हजार लड़के जो हैं वो फौज में जाते हैं, और इस देश के लड़के, इस देश के बच्चे फौज में जाते हैं। अब तो लड़कियां भी फौज में जाने के लिए आतुर हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ की हैं। आप कैसे शहीदों को इस तरह से, क्योंकि फौज इन सब बातों पे बात नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि फौज का कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। फौज के कुछ रिटायर्ड लोग बात करते हैं, मैं भी फौजी परिवार से आती हूँ, बहू हूँ, बेटी हूँ, तो मुझे लगता है कि पंजाब के मुद्दे को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और जब तक वो अपनी जगह, क्योंकि कल ही उन्होंने पंजाब के सांसद होने के नाते पार्लियामेंट में वोट लिए, जब तक वो अपनी जगह पार्लियामेंट से निष्कासित नहीं होते या अपने आप नहीं छोड़ते, तब तक मैं उनके पीछे रहूंगी और उनको कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। पुलिस अपना एक्शन जरूर करेगी, पुलिस की तरफ से मुझे आश्वासन है कि मेरे साथ न्याय होगा। मेरी एप्लीकेशन में अगर कुछ तथ्य हैं तो उस पर न्याय होगा, और तथ्य बिल्कुल हैं, क्योंकि जब गांधी जी पे कुछ उल्टा सुलटा बोलने के लिए FIR हो सकती है, तो फिर भगत सिंह पे, गांधी जी और भगत सिंह में क्या फ़र्क है, मैं भी ये समाज से पूछना चाहती हूँ। मैं भी ये पंजाब के सो कॉल्ड सिमरजीत सिंह नेता से मान से पूछना चाहती हूँ कि क्या फ़र्क है। आपके लिए फ़र्क हो सकता है क्योंकि आप भिंडरे वाला को सपोर्ट करते हैं, आपके लिए फ़र्क हो सकता है क्योंकि आपने समय समय पर खालिस्तान की मांग की है, आपके लिए क्यों फ़र्क हो सकता है, आप इतने संवैधानिक पदों पर IPS रहते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, आपके मन में ऐसा क्यों है कि आप देश को भड़का रहे हैं, क्योंकि आपको पावर और इन्फ्लुएंस चाहिए। मैं इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, शहीदों का अपमान करना, हम शहीदों को मानते हैं, मैं जब से इस घर में ब्याही हूं मुझे लगता है कि शहीद हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं एक ऑफिसर की, एक जिंदा ऑफिसर की पत्नी हूं, और मैं बहुत कड़े शब्दों में इस बात को बोलूंगी, जब जिंदा ऑफिसर की पत्नी होते हैं और उसके बाद भगवान ना करे कुछ हो जाए तो वो क्या पेन होता है वो परिवार ही जानता है। सिमरजीत सिंह मान जो है वो नहीं समझ पाएंगे उस दर्द को, क्योंकि उन्होंने फौजी सिस्टम में वो कभी रहे नहीं हैं। उन्हें फौजियों का, उन्हें देश के बड़े मार्टियर्स का, शहीदों का कोई सम्मान नहीं है, तो उनको सबक सिखाने का समय है, और मुझे लगता है ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो एक तरफ हमारे शहीदों को आतंकवादी बोलते हैं और दूसरी तरफ जो है वो सिखों को भड़काते हैं। 1984 से लेकर आज तक सिखों को भड़काने का जो काम इन लोगों ने किया है वो अब बंद होना चाहिए, और पार्लियामेंट में अब इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि शहीद भगत सिंह आतंकवादी थे या शहीद थे, इस बात पे अब चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये चर्चा अब सोशल मीडिया पे आ गई है, मेरे सोशल मीडिया पे मुझे पंजाब का भी सपोर्ट है, एक सेक्शन का सपोर्ट हो सकता है मैं मानती हूँ, लेकिन मानसिकता उस सेक्शन की भी ठीक करनी जिस सेक्शन को ये भड़का रहे हैं। मैं थाने से लेकर मुझे न्याय, जो भी न्याय संगत समय है उसमें अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता है, वैसे मुझे उम्मीद है कि आ रहा है और मेरी बात हो रही है, उसमें अगर रिस्पांस नहीं आता तो मैं कोर्ट मूव करूंगी, चाहे मुझे पंजाब कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं मूव करूंगी और मैं ये सिद्ध करूंगी कि भगत सिंह किसी दूसरे के घर में पैदा ना हो, भगत सिंह मेरे ही घर में पैदा हो, ये सिद्ध करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। और मैं संगरूर की सड़कों पर जाऊँगी, संगरूर में इनके घर के बाहर बैठूंगी और पार्लियामेंट पर बैठूंगी, ये मैंने सोच रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शहीदों को इतने आसानी से अब बदनाम करके, कन्नी काट के और सिर्फ माफ़ी मांग के नहीं निकल सकते। क्या मैडम पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस जो है इस कंप्लेंट पर? बिल्कुल, पुलिस की तरफ से कल ही मैंने 2 बजे फाइल की है, मुझसे कल रात को लेट नाइट डिटेल्स ली गई हैं, पुलिस की तरफ से टाइम बाउंड होगा।
पुलिस इसे पुलिस को 2 दिन में 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, फौजी परिवार से आते हैं, और मुझे लगता है कि इस पे तो हमारे परिवार में बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। और कल को देखिए, उस टाइम के जो शहीद थे वो शहीद भगत सिंह थे, लेकिन आज के शहीद कौन है? जो फौज में है। तो अगर हम फौजियों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम किसकी लड़ाई लड़ेंगे? उनकी वजह से हम सुरक्षित। लेकिन पुलिस अगर कंप्लेन दर्ज नहीं कराती तो क्या फिर कोर्ट का रुख आप लोग करेंगे? तुरंत कोर्ट का रुख करूंगी जी, लोअर कोर्ट जाऊंगी मैं, पंजाब कोर्ट जाऊंगी, और मैं देखूंगी कि वहां पर क्या होता है। मैं बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल मैंने कमर कस लिया, और इसमें मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। आप मुझे पाएंगे कि मैं इसमें पूरी लड़ाई लड़ूं। लेकिन सिमरजीत सिंह मान लगातार ये कहते रहे हैं कि जिस तरीके से, जो अगर सम्मान की बात करते हैं, भगत सिंह के परिवार को अभी तक कोई सम्मान जो है वो नहीं दिया गया, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स की वो बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहूंगी, अभी जब प्रॉफिट मोहम्मद का मुद्दा आया था तब भी कहा गया था कि कहीं पे ये लिखा है, कहीं पे ये लिखा है, कहीं है, 3 तरह के वर्जन थे उसकी, जो है वो ऑथेंटिसिटी कहीं साबित नहीं हो रही थी। तो कुछ लोग जो है ऐसा मानते हैं, लेकिन उनके मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि NCERT की बुक्स में और बचपन से जो हमने अपने स्कूलों की किताबें पढ़ी है, मैंने तो पढ़ी हैं, मुझे नहीं पता आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़ी हैं, उसमें भगत सिंह हमारे हीरो हैं। अगर गांधी हमारे हीरो हैं तो भगत सिंह भी हमारे हीरो हैं, और अगर गांधी के बारे में कुछ कहने पे FIR दर्ज हो सकती है तो फिर भगत सिंह के कहने पे भी FIR दर्ज हो सकती है। FIR भी दर्ज होगी, पार्लियामेंट में चर्चा भी होगी, और इस पे एक्शन भी होगा, आप देखिएगा। तो बिल्कुल, ये थी टीना शर्मा, जो साफ कह रही हैं कि भगत सिंह के खिलाफ जिस तरीके से बयान दिया गया, इसके खिलाफ वो सड़कों पर भी उतर सकती हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।